स्टूडेंट्स को। और आज अपने बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बैंक के बारे में। ठीक है, तो हर साल 1 जुलाई को क्या किया जाता है, एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक का जन्मदिन जो है मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी उसकी अपने चर्चा करेंगे। तो इसकी स्थापना जो मानी जाती है वो कोलकाता बैंक से मानी जाती है। इसकी स्थापना कहाँ से मानी जाती है, कोलकाता बैंक से। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाया गया था, कोलकाता बैंक बनाया गया था। ठीक है, तो कोलकाता बैंक का निर्माण जो है वो कब हुआ था, तो 2 जून, ध्यान रखना 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कोलकाता का स्थापना हुई बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 1806 के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ कि 3 साल लगे इसको चार्टर मिलने में, तो 3 साल बाद इस बैंक को क्या मिला, चार्टर मिलने के बाद में इसका क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। ठीक है, इसका पुनर्गठन जो है वो कब हुआ था, तो इसका पुनर्गठन जो हुआ था वो 2 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था, 2 जनवरी, और 3 साल लगे, तो 1806 के बाद में तिथि कहाँ चल जाएगी, 1809 के अंदर। ठीक है, तो इसका पुनर्गठन कब हुआ था, तो 2 जनवरी 1809 में हुआ था। किसका, अपने स्टेट बैंक की स्थापना देख रहे हैं, किसका निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले बनाया गया कोलकाता बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1806 के अंदर बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में। बैंक ऑफ कोलकाता को 3 साल लगे चार्टर मिलने में, चार्टर मिलने के बाद में 3 साल बाद इसका पुनर्गठन किया गया 2 जनवरी 1809 के अंदर। 2 जनवरी 1809 के अंदर इसको बनाया गया बंगाल बैंक या बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया। क्या बनाया गया, बैंक ऑफ बंगाल के नाम से बनाया गया, बैंक ऑफ बंगाल। इसको क्या नाम रखा गया, इसका बैंक ऑफ बंगाल। अब ये बैंक ऑफ बंगाल जो है वो ब्रिटिश सरकार, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार इसको चला रही थी। ठीक है, तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, तो आपको पूछा जाए तो 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बंगाल जो है उसको, और उस टाइम क्या हुआ था, बैंक ऑफ बंगाल के दौरान 3 बैंक जो थे वो बड़े बड़े थे। कौन कौन से 3 बैंक थे, एक तो आएगा बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, ये आपने बोलेंगे मद्रास बैंक ऑफ मद्रास। दूसरा जो बड़ा बैंक था उस टाइम का वो कौन सा था, बैंक ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल मद्रास, और बैंक ऑफ कौन सा हो गया, बॉम्बे। ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये ध्यान में, बॉम्बे। तो इन तीनों बैंकों को क्या किया गया, मर्ज किया गया, एक बनाया गया, और इसको बनाया गया इंपीरियल बैंक। क्या बनाया गया, इसको इंपीरियल बैंक बनाया गया। ठीक है, इसको क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत जो कब हुई थी, इसको कब मनाया गया था, तो 28 जनवरी 1921, सन क्या ध्यान रखोगे, 28 जनवरी 1921 को क्या किया गया था, इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया था। ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। कब कर दिया गया इसको मर्ज, तो सन ध्यान रखोगे 28 जनवरी 1921 को इनको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब बैंक ऑफ इंपीरियल जो है वो शहरों तक सीमित था, वो कहाँ तक सीमित था, शहरों तक सीमित था। तो जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उन तक कोई भी योजनाएं, कोई भी सूचनाएं जो है वो पहुंच नहीं पा रही थी। तो इंपीरियल बैंक जो शहरों तक सीमित था, तो इसके बाद में क्या आई थी, पंचवर्षीय योजना आई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कब आई थी, 1941 को आई थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जोर दिया गया ग्रामीण इलाकों पर। ठीक है, ग्रामीण जो इलाके हैं उन पर क्या दिया गया, जोर दिया गया ग्रामीण इलाकों पर। अब ग्रामीण इलाकों पर जोर दिया गया तो क्या किया गया, इंपीरियल बैंक तो शहरों तक सीमित था, तो इंपीरियल बैंक को क्या कर दिया गया, इंपीरियल बैंक का नाम जो है वो स्थगित कर दिया गया, या आपने बोला कि नाम बदल दिया गया, इसका ही नाम बदल दिया गया। ठीक है, इंपीरियल बैंक का इसका नाम क्या कर दिया गया, बदल दिया। ठीक है, इसका नाम बदल दिया, और कब बदला था इसका नाम,
इसका नाम बदला था 1 जुलाई को, कब बदला था 1 जुलाई को, 1 जुलाई 1955 को, ठीक है ये सब ध्यान में रखना है। 1 जुलाई 1955 को क्या हो जाती है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हो जाती है, क्या हो जाती है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की क्या हो जाती है स्थापना हो जाती है। यहाँ पे लिख देते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई, ठीक है 1 जुलाई 1955 के अंदर भारतीय स्टेट बैंक जो है बन के आपके सामने आ जाता है, ठीक है इनकी ब्रांचेस खोल दी जाती है। जब इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, तो स्थापना के टाइम SBI की ब्रांचेज जो थी वो कितनी थी, तो स्थापना के टाइम 480 ब्रांचेज थी, कितनी थी 480 शाखाएं थी, ठीक है शाखाएं। लेकिन आज की अगर बात करें, आज भारतीय स्टेट बैंक या SBI की शाखाएं कितनी हैं, तो आज भारतीय स्टेट बैंक की 24,000 शाखाएं हैं। आज भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं हैं, 24,000 शाखाएं हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो भारतीय बैंक स्टेट बैंक का निर्माण कोलकाता से प्रारंभ होता है। सबसे पहले बनाया गया था कोलकाता बैंक, जिसकी स्थापना 2 जून 1806 के अंदर हुई, जिसका नाम रखा गया बैंक ऑफ कोलकाता। 3 साल बाद इसको चार्टर मिला, इसका पुनर्गठन हुआ, तो इसका क्या हुआ 2 जनवरी 1809 के अंदर इसका पुनर्गठन के बाद बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे उस टाइम के 3 बड़े बैंक थे। इनको इंपीरियल बैंक के अंदर कन्वर्ट कब किया गया था, 28 जनवरी 1921 को कन्वर्ट किया गया था। इंपीरियल बैंक को शाही बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक तो है वो शहरी सीमाओं तक सीमित था, शहर वालों के लिए सूचनाएं जो भी योजनाएं आती थी वो दे सकता था, ग्रामीण इलाकों में नहीं जोड़ा गया था। तो फिर क्या हुआ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आती है 1941 के अंदर, उस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों को जोड़ने का निर्णय लिया गया और ग्रामीण इलाकों पर जोर दिया गया ताकि उनको भी योजनाओं से जोड़ा जाए। तो फिर क्या किया गया, इस इंपीरियल बैंक का नाम चेंज किया गया, कब किया गया 1 जुलाई 1955 को बदलकर क्या रख दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई 1955 को मनाया जाता है, यानी आज के दिन 1 जुलाई 1955 सन में मनाया गया था, स्थापना की गई थी, लेकिन आज के दिन क्या मनाया जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक का जन्मदिन मनाया जाएगा। यानी हर साल 1 जुलाई को क्या किया जाता है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस जो है वो जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। अगर बात करें स्थापना के टाइम इसकी शाखाएं कितनी थी, तो स्थापना के टाइम इसकी शाखाएं 480 शाखाएं थी, ठीक है। वहीं पे आगे बात करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूं, जो इसकी चर्चाएं रह गई है वो भी थोड़ी सी और करेंगे। ठीक है, अब बना था भारतीय स्टेट बैंक, तो उस दौरान इसकी शाखाएं कितनी थी, बनने के टाइम इसकी शाखाएं थी कितनी, 480 शाखाएं थी, ठीक है ये ध्यान में रखोगे। लेकिन आज के टाइम अगर बात करें, अभी भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं कितनी है, तो अभी भारतीय, ठीक है अभी बात करें तो अभी इनकी शाखाएं की बात करें, अभी शाखाएं, ठीक है अभी शाखाएं कितनी है, 24,000 शाखाएं हैं, 24,000 शाखाएं हैं, ठीक है। वहीं पर बात करें ATM की, वहीं पे बात करें किसकी, ATM की, तो शाखाओं के साथ में ATM, ठीक है इसके कितने ATM लगे हुए हैं अभी तक, तो 43,000, ठीक है ATM जो है वो लगाए गए हैं, ये अभी का आंकड़ा है। और जब स्थापना इसकी हुई थी तब क्या था, 480 शाखाएं थी, यानी भारतीय स्टेट बैंक को हर ग्रामीण इलाके से अब जोड़ दिया गया है, और हर एक ग्रामीण इलाके में ऋण, क्रेडिट कार्ड, बिल से संबंधित, लोन से संबंधित सभी सूचनाएं, योजनाएं जो है वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच रही है, ठीक है। अब SBI की बात करें तो थोड़ी बहुत RBI की भी बात कर लेते हैं, ठीक है RBI की बात कर लेते हैं। बात करते हैं कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो RBI की स्थापना की बात करें तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये ध्यान रखोगे। RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है मुख्यालय से क्वेश्चन आ जाता है, मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका क्या है, मुंबई है, ठीक है मुख्यालय कहाँ पे है इसका, मुंबई है। और वहीं पे बात करें इसके प्रथम गवर्नर, ठीक है प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न, ठीक है सर ओसबोर्न समिथ, ठीक है सर ओसबोर्न समिथ जो है वो क्या थे, इसके प्रथम गवर्नर रहे थे। और बात कर लें कि वर्तमान के अंदर, ठीक है वर्तमान के अंदर कौन है, तो वर्तमान में कौन है, शशिकांत दास, कौन है शक्तिकांत, या आपने बोल सकते हैं शक्तिकांत,
शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास जो है वो वर्तमान के इसके अंदर इसके क्या है, गवर्नर है। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब बात करें भारतीय स्टेट बैंक के अंदर सरकार या राज्य सरकार का कितना परसेंटेज है, तो भारतीय स्टेट बैंक के अंदर राज्य सरकार का 61.58% जो है हिस्सा है, ठीक है। भारत सरकार का कितना है भारतीय स्टेट के बैंक के अंदर हिस्सा, 61.58% जो है हिस्सा किसका है, भारतीय या अपने बोले कि भारत सरकार का है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी। उसके बाद में बात करें कि पहली महिला चेयरमैन की बात करें एसबीआई बैंक की, ठीक है, ये तो होगी अपनी आरबीआई की बात, इतनी सी आरबीआई के बारे में बातें भी ध्यान में रखनी है, किसकी स्थापना कब हुई थी। अब बात करें कि भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला चेयरमैन, ठीक है, प्रथम महिला महिला चेयर चेयरमैन प्रथम महिला चेयरमैन कौन सी थी, तो प्रथम महिला चेयरमैन के बारे में ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे कि प्रथम महिला चेयरमैन कौन सी थी, तो अरुदत्ती भट्टाचार्य थी। कौन सी थी, अरुदत्ती भट्टाचार्य, ठीक है। और ये क्या थी, सबसे जो गिनीज के अंदर रिकॉर्ड हुई थी उससे सबसे मजबूत महिलाओं के अंदर या सबसे शक्तिशाली महिलाओं के अंदर गिनी गई थी। आपसे पूछा जाए कि भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई की प्रथम महिला चेयरमैन कौन थी, तो अरुदत्ती भट्टाचार्य थी। कब संभाला था इन्होंने पदभार, तो 2013 के अंदर संभाला था, 2013 के अंदर इन्होंने पदभार जो है वो संभाला था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होगी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेन इसका सन ध्यान में रखोगे कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई 1955 ध्यान में रखोगे। स्टार्टिंग के अंदर इसकी शाखाएं कितनी थी, 480 शाखाएं थी। आई होप सो भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सभी को।